हाय गाइस, दिस इज मनीषा यादव फ्रॉम यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट। सो आज हम लोग एक नई रेसिपी के साथ आए हुए हैं। रेगुलर अभी तक जो हमने रेसिपी अपलोड की है बेकिंग से रिलेटेड है, आज थोड़ा डिफरेंट है, जहां हम लोग बनाने वाले हैं लिटिल मिलेट्स की खीर। फ्लेवर हम लोग इन्फ्यूज़ करने वाले हैं वो है खीर में कैरमल का, और राइस यूज़ कर रहे हैं समा, जिसको लिटिल मिलेट्स भी बोला जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक मिलेट है और इसमें बहुत सारे आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की कैपेसिटी होती है, जो आपको टिश्यूज़ को रिपेयर करने में और एनर्जी इनबिल्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर आप ट्राई करें इसको रेगुलर बेसिस पे, वीक में एक बार तो एटलीस्ट ये राइस खाएं, जिसका नाम है लिटिल मिलेट्स, या फिर आप समा भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कैरमल समा राइस खीर में हमें इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेंगे। यहाँ पे मैंने, अच्छा सबसे पहले तो ये देखते हैं कि समा होता कैसा है। समा देखिए, छोटे छोटे आपने देखे होंगे पॉपी सीड्स, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, राइस जैसा टेक्सचर देता है ये। तो ये है, मैंने प्री प्रिपरेशन कर ली थी इसकी। इसे मैंने पानी में 15 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था खीर के लिए। यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या क्या लग रहे हैं, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो रेजिन है, कैश्यू चॉप्ड लिया हुआ है, एंड रोस्टेड पिस्ताशियो लिया हुआ है, और मैंने ऊपर की गार्निशिंग के लिए लिया हुआ है कुछ कैश्यू एंड पिस्ताशियो। शुगर दो पार्ट में लिया हुआ है खीर में ऐड करने के लिए और ऊपर कैरमल बनाने के लिए। इलायची का फ्लेवर लिया हुआ है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और ये सोक करके लिया है। यहाँ पर मिल्क मैंने लिया हुआ है, आप नॉर्मल मिल्क, फुल फैट का मिल्क लीजिए आप, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, खीर के लिए हमें सबसे पहले कैरमल बनाना है, तो यहाँ हमें शुगर चाहिए 2 टेबल स्पून। तो पैन को आप हीट कर लीजिएगा और 2 टेबल स्पून हमें शुगर लेना है। अब इसे मेल्ट होने देंगे, शुगर हमारी ब्राउन हो जाएगी, कैरमल कलर में आ जाएगी। तो देखिए ये कैरमलाइज होने लगा है। एंड स्पैचुला की हेल्प से आप इसको शुगर को मिक्स कर दीजिए। ये जो नट्स हैं इसे हमें थोड़ा रोस्ट कर लेना है। फ्लेम आप सिम पे रखिएगा, और अगर इंडक्शन पे बना रहे हैं तो लो टेम्परेचर पे काम करना है। ये जैसे ही हल्का सा रोस्ट हो जाए नट्स, हमें यहाँ पे मिल्क ऐड करना है। जैसे जैसे मिल्क बॉईल होगा कैरमल, अभी तो यहाँ पे आप फील नहीं कर पाओगे, ये मुझे लग रहा है क्रंची हो गया है, तो जैसे ही बॉईल होगा मिल्क वैसे ही कैरमल डिसॉल्व होने लगेगा मिल्क में, और मिल्क का कलर ब्राउन होने लगेगा। कंटिन्यूसली आप स्टर करते जाएंगे। मिल्क हमारा जैसे ही बॉईल होगा तो हमें समा राइस ऐड करना रहेगा। बॉईल होने में नियर अबाउट 2 से 3 मिनट लगेगी आपको। तो देखिए अभी ये मिल्क बॉईल होने लग गया है, अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। सोक किया हुआ राइस ऐड करना है आपको। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी कि किस क्वांटिटी में हमें क्या चीज़ लेनी है। अब हमें थोड़ा इसको बॉईल करना है, जैसे सिंपल खीर बनती है घर में उसी तरीके से बनाना है, बस यहाँ पे हम लोग कैरमल खीर बना रहे हैं।
फ्लेवर आपको खीर में कैरमल का आएगा। इसी पॉइंट पे थोड़ा केसर ऐड करेंगे। केसर हमें ऐड करना है 2-3 स्ट्रेन टू गेट द नाइस अरोमा एंड गेट द फ्लेवर। सो दैट्स इट। आई हैव एडेड 4-5 स्ट्रेन ऑफ द केसर। 4-5 तारे मैंने ऐड की हैं इसमें। इसमें एक अच्छा केसर का फ्लेवर भी आएगा। अब बस खीर थोड़ी देर के लिए हम लोग हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स, तो वो थोड़ा थिक होने लगेगा और राइस हमारा पक जाएगा। तो ये हमारी खीर हो गई है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थिक हो गया है और ओके ग्रेन्स भी पक चुके हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है हमारा शुगर ऐड करना। तो यहाँ पे शुगर ऐड कर दे रहे हैं। शुगर ध्यान रखिएगा पहले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऐड करने में चांसेस होते हैं कि दूध हमारा फट सकता है। तो कोई भी किसी भी तरीके की अगर आप खीर बना रहे हैं तो आप शुगर लास्ट में ऐड करेंगे एंड देन डिसॉल्व करके बंद कर देंगे। तो अभी हम मैंने बंद कर दिया है। सो खीर हमारी रेडी हो गई है। तो आप इसका कलर देखिए, ब्राउन है, इसीलिए इसको कैरमल बोला जाता है। अब इसे प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे एंड स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने कुछ नट्स बचा के रखे हुए थे, होल नट्स। बस आपको ऊपर की ओर एंड केसर रख देते हैं, क्योंकि रेसिपी में भी मैंने केसर ऐड किया था और केसर किसी भी डेजर्ट को स्टार डेजर्ट बना देती है। दैट्स इट। लास्ट में हमें ऐड करना है सिल्वर वर्क, क्योंकि इंडियन कोई भी रेसिपी जो होती है हमारी, बगैर सिल्वर इंडियन स्वीट रेसिपी कोई भी अगर हमारी होती है, बगैर सिल्वर फॉइल के या फिर सिल्वर वर्क के कंप्लीट नहीं होती है। और सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल का काफ़ी महत्व भी होता है। सो ये हमारी कैरमल समा राइस खीर रेडी है। ओके गाइस, सो आज हमने आपको सिखाया है मिलेट्स पे खीर बनाना। खीर में मैंने थोड़ा फ्यूजन किया था, जैसा कि हमने रेसिपी में एक्सप्लेन किया हुआ है, कैरमल के साथ। तो कैरमल सवा खीर है ये, और आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें बताएं, और आपको डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आगे हम लोग मिलेट्स के काफ़ी सारे टॉपिक लेके आने वाले हैं जो आपको पसंद आने वाली है। तो आगे की रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।